गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना वाक्य विचार करेंगे। वाक्य विचार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य विचार। क्या है वाक्य विचार? जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, आप अगर जो कि हमारी बुक से मैच नहीं कर रहा है, बेटा व्याकरण है, व्याकरण का जो टॉपिक जिस बुक से सबसे अच्छा होगा, मैं इसीलिए आपकी सबसे बेस्ट जो मुझे जिस बुक्स में मिलता है टॉपिक, उसी बुक का मैं कंसिडर करती हूँ। अब हम चलेंगे वाक्य विचार। व्याकरण का हमारे अध्याय है वाक्य, अर्थात वाक्य पर विचार करना वाक्य विचार कहलाएगा। वाक्य पर विचार करना, जैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया वह राहुल है या वह खेल रहा है, तो वाक्य है पूरा एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? अध्यापिका श्रेष्ठा तुम क्या कर रही हो? श्रेष्ठा मैं पुस्तक पढ़ रही हूं, ठीक है। तो अध्यापिका ने पूछा श्रेष्ठा तुम क्या कर रही हो, तो श्रेष्ठ ने जवाब दिया मैं पुस्तक पढ़ रही हूं। उपर्युक्त वार्तालाप से स्पष्ट है कि इन वाक्यों में अध्यापिका व श्रेष्ठा अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर पा रही हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। भाषा की क्या बोले? लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग या घटक होते हैं। वाक्य हो गया उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? हम वाक्यों को दो भागों में बांटते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं वाक्य के, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य हो गया हमारा प्रिया परीक्षा को, प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है। कौन कर रही है? प्रिया। तो ये उद्देश्य है। मेरा पड़ोसी दुकानदार है। किसका? मेरा पड़ोसी। बोले मेरा पड़ोसी दुकानदार है। तीन, मेरे मित्र का बेटा कक्षा में प्रथम आया। मेरे मित्र का बेटा कक्षा में प्रथम आया। तो मेरे मित्र का बेटा, मेरे मित्र का बेटा कक्षा में प्रथम आया, तो पूरा वाक्य था जिसमें से मतलब मेरे मित्र का बेटा, ये उद्देश्य है। हमारे घर के पास रहने वाला परिवार आज घूमने गया है। तो हमारे घर के पास रहने वाला परिवार, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इन वाक्यों में क्रमशः प्रिया पड़ोसी और परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या दिखाया गया है? वाक्य में बताया गया है क्रमशः प्रिया पड़ोसी बेटा और परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, अतः ये सभी उद्देश्य हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। जैसे प्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रिया के बारे में, प्रिया क्या है? परीक्षा की तैयारी कर रही है। पड़ोसी बेटा और परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो ये सभी क्या है? उद्देश्य क्या है? जिनके बारे में कहा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है, वह हमारे कहलाते हैं उद्देश्य। क्या कहलाते हैं? हमारे उद्देश्य, उन्हें हम बोलते हैं उद्देश्य, जिनके बारे में कहा गया है। मेरा, मेरे मित्र का तथा हमारे घर के पास रहने वाला उद्देश्य से जुड़े होने के कारण उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। क्या बोल रहे हैं? मेरा, मेरे मित्र का तथा हमारे घर के पास रहने वाला उद्देश्य से जुड़े होने के कारण उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। इसी तरह क्रमशः परीक्षा की तैयारी कर रही है, दुकानदार है, कक्षा में प्रथम आया और आज घूमने गया है। उद्देश्य के विषय में कुछ कह रहे हैं, अतः ये विधेय है। अर्थात जैसे मैं बोल रही हूँ रमेश घूमने गया है, तो मैं रमेश, अगर मैंने मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिख, जैसे मान लीजिए मैं लिखा रमेश
खेलता है, ठीक है। तो रमेश्वरम क्या बता रही हूँ मैं, कोई खेलता है, तो किसी बारे में बताया मैंने रमेश, तो रमेश है यहाँ पर क्या उद्देश्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रमेश है यहाँ उद्देश्य, और क्या करता है वह, खेलता है, तो ये कहलाएगा हमारा विधेय। ये आपको अब समझ आना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ठीक है बेटा। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा उद्देश्य, और जो बात हो रही होती है उसके बारे में वो वह होता है हमारा विधेय, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे इसमें लिखा है विधेय, इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, यानी कि जो कर्म कर रहा है वहां पर वह हमारा उद्देश्य होगा। वे सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं वे भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं, इन्हें कर्ता का विस्तार कहा जाता है। जैसे परीक्षा में छात्र सदा सफल होते हैं, ठीक है। परीक्षा में छात्र किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, परीक्षा में छात्र के बारे में क्या हो रही है कि वे सदा सफल होते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में छात्र बात हो रही है यहाँ, परीक्षा में छात्र की, जो कि क्या है यहाँ पे उद्देश्य है, और क्या बात हो रही है कि वह हमेशा सफल होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, परीक्षा में छात्र, में छात्र करता है यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, मैंने बोला ना परीक्षा में छात्र, तो परीक्षा में छात्र करता है, और परीक्षा में कर्ता का विस्तार, ठीक है। परीक्षा में छात्र क्या है, कर्ता, छात्र जो करता है, परीक्षा में मतलब उसका विद्या, उसके बारे में ज्यादा विस्तार है उसको। परीक्षा में छात्र, छात्र कैसे है, परीक्षा में है, और उसके बारे में क्या बताया गया है कि वह सफल होते हैं, जो कुछ उसके बारे में कहा गया है उनके बारे में वह क्या कहलाता है, हमारा विद है, ठीक है बेटा। जैसे छात्र के संबंध में सदा सफल होते हैं, ये क्या है, विधेय, यानी कि जो परीक्षा में छात्र होते हैं वे सदा सफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्र हो गया हमारा उद्देश्य, और उसके बारे में जो बताया गया है वह हो गया हमारा विधेय। वाक्य भेद, वाक्य के यहाँ पे भेद है, वह अर्थ के आधार पर वाक्य के बेटा अलग अलग है, तो अर्थ सबसे पहले हम वाक्यों को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, सबसे पहले रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, हम वाक्यों को ही पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाक्य का विभाजन होता है, वाक्य के भेद, यानी कि वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वाक्यों को हम मुख्यतः पहले दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम जो वाक्य के भेद हैं, एक होगा हमारा रचना के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर हम बोल सकते हैं उसे, ठीक है। एक होता है रचना के आधार पर, किसके आधार बात हो रही है, रचना के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हमारा कहलाएगा, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं हम, एक हो गया हमारा रचना के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा अर्थ, एक हो गया रचना के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर और दूसरा हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, ये दो वाक्य हो गए हमारे। अब यहां फर्क क्या देख रहे हो आप, रचना अर्थात बनावट, वो रचना है, अर्थ क्या अर्थ निकल रहा है उसका, अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अगर अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन आप पढ़ते हो, या फिर आप पढ़ते हो रचना के आधार पर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार से ये विभाजन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हम वाक्यों को तीन भागों में विभाजित करते हैं बेटा। रचना के आधार पर कितने भागों में विभाजित करते हैं, तीन भागों में। एक मिनट, रचना के आधार पर हम भाग करते हैं इसको तीन भागों में। जैसे सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा सरल वाक्य, दूसरा आएगा हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा आएगा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य, यानी कि जो मिला जुला होता है, मिश्र या तो उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं,
या उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये हम बताए रचना के आधार पर, ये होता है हमारा रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन, कि रचना के आधार पर वाक्यों को हम इन तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं। सरल, जो बहुत ही सरल वाक्य हैं, जैसे राम खेल रहा है। संयुक्त वाक्य, जैसे दो वाक्यों को हम इसमें जोड़ देते हैं, उदाहरण के तौर पर सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। तो दो वाक्य थे, चिड़िया चहकने लगी, सूरज निकला, और हमने उसको दो और शब्द से दो जोड़ दिया, सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। तो परिश्रम करो एक वाक्य, नहीं वरना अथवा अन्यथा फेल हो जाओगे। तो जो ये शब्द हैं ये हमने जोड़ने के लिए प्रयोग किए, किसमें, तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्र, जिसमें हम अलग अलग वाक्यों को एक जोड़कर बनाते हैं, अर्थात जिसके अंदर हम एक होता है मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है। तो मैंने देखा क्या देखा, एक प्रधान वाक्य है, ठीक है। मैंने देखा कि पेड़ पर बंदर बैठा है, एक हम बोलते हैं कि मिश्रित वाक्य। जो मिश्र है या मिश्रित वाक्य है वो वाक्य होते हैं जिसमें एक होता है प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, ए रमा आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो रमा आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि, अब इस क्योंकि के बाद उसका उत्तर मिलेगा क्योंकि वह बीमार थी या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो और करके जोड़ा नहीं है यहाँ पे। दूसरा जो वाक्य है पहला, वो दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर कर रहा है। वाक्य पूरा करने के लिए हमें उसको आगे का पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये कहलाते हैं हमारे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है बेटा, आप बात करते हैं रचना के आधार पर, जिसकी यहाँ पे शुरुआत दिखा रखी है, ये किस प्रकार से हमारे आठ में इसका विभाजन होता है। ये आठ होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना भी है। आठ जो होते हैं हमारे, ये वाक्य अर्थ के आधार पर हम वाक्य का भेद कर रहे हैं। सबसे पहला था हमारा विधान वाचक वाक्य, विधान विधान वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्य, आज्ञा वाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। ठीक है, सबसे पहला था विधान वाचक, यानी कि इसमें विधान, यानी कि सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं विधान वाचक, इसे कथात्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कथात्मक। परीक्षम का फल मीठा होता है, कहीं कोई कथात्मक रूप में, जैसे नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं विधान वाचक, जो कि सिंपल से एक वाक्य होगा, इन दोनों वाक्यों से यह स्पष्ट होता है जिस वाक्य में किसी बात की सूचना प्राप्त हो या कथन कहा गया हो उसे हम विधान वाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि कथात्मक वाक्य भी होते हैं। ठीक है, इसे विधान किसी भी काल में हो सकता है, जैसे अम्मा आज मंदिर जाएंगे या बच्चा घर चला गया। इसका कोई काल की अगर बात करें तो इसका कोई भी काल हो सकता है और एक तरीके से सिंपल सा कथन के रूप में वाक्य होगा। दूसरा आता है निषेध वाचक वाक्य, इसे नकारात्मक भी कहते हैं। निषेध मतलब मना कहा गया है, निषेध कर दिया है यानी कि मना कर दिया गया है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा या मैं आज विद्यालय नहीं गया, मैंने आज काम नहीं किया है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या तुम आज मुंबई जा रहे हो, क्या तुमने आज कोई काम किया है। आज्ञावाचक वाक्य, परीक्षा आरंभ कीजिए, कल तक जरूर लौट आना। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, आदेश, प्रार्थना आदि का भाव स्पष्ट हो उन्हें आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछे जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य के अंदर इसमें आज्ञा की बात हो रही हो, आज्ञा हो, निर्देश, आदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट किया गया हो, आदि का भाव स्पष्ट हो रहा हो, उसे हम आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, इनका भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे आज्ञा मांग रहे हो, किसी को निर्देश दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इन सब का भाव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा आज्ञावाचक। ठीक
ठीक है, अब आएगा हमारा विस्म, ये तो होते आपका विस्मयाचक, ये भी हो सकता है एक आपको जो उसमें हैरानी हो, ठीक है। फिर आता है आपका ये संकेतवाचक भी है, फिर संदेहवाचक जिसमें संदेह हो हमें, और इच्छावाचक जो हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे हो गया हमारा इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छा से हम ये किसी को बात कह रहे हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये भी आपका कहलाएगा किसके अंतर्गत, ये आपका कहलाएगा आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये आपका इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। चलो अब खाना खाया जाए, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, सुझाव आदि का भाव व्यक्त हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, सुझाव आदि का भाव हो, ठीक है। आप ये देख सकते हो, इच्छा है, कामना है, शुभकामना आदि का भाव अगर हो रहा है तो वो आपका इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। आगे आता है संदेहवाचक, इसमें संदेह हो, अब तक वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, संदेह है, डर है, अब तक वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, हो सकता है आज वर्षा हो जाए, संदेह है, हो सकता है आज या हो सकता है आने वाले दिनों में स्कूल खुल जाए, संदेह के रूप में हम ये बात कह रहे हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, संदेहवाचक वाक्य। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें संदेह प्रकट हो रहा हो, वह हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। आगे आएगा हमारा, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको, अब वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, शायद अभी कंफर्म नहीं है, संदेह के तौर पे हम कह रहे हैं ये बात, हो सकता है आज वर्षा हो जाए, ठीक है। जिस भाव मतलब जिन वाक्य में संभावना या संदेह हो, वह हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य, जिसे अब आएगा संकेतवाचक, यदि तुम प्रदर्शनी देखने चलो तो मैं भी चल सकता हूँ, संकेत कर रहे हैं, अगर तुम करोगे तो मैं भी कर सकता हूँ, हो सक अगर तुमने ही काम कर दिया तो हो सकता है मैं भी चल लूँ या मैं भी कर लूँ, यदि परीक्षण करोगे तो अच्छे अंक अवश्य पाओगे, संकेत किया गया है कि हाँ ऐसा जरूर होगा, इशारा कर रहे हैं वो तुम्हें, यदि परीक्षण करोगे तो अच्छे अंक पाओगे, तो ये संकेत किया गया है। उसी तरीके से यदि तुम प्रदर्शनी देखने, यानी कि कोई भी मूवी कुछ भी लगा हुआ है मेला, अगर तुम मेले में मेला देखने जाओगे तो मैं भी चल सकता हूँ, यानी कि जिस वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो, उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, या तो संकेत हो या शर्त, इन वाक्यों में एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भाव होता है, ठीक है। संकेत या शर्त का बोध हो, उसे हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत जिसमें विस्मय उत्पन्न हो अर्थात हैरानी हो, अरे तुमने कंप्यूटर सीख लिया, आह कितना सुंदर दृश्य है, जहां पर, या फिर हम बोले वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, हैरानी हो जाए, या फिर बोले वाह तुम्हारी तो लिखावट बहुत सुंदर हो गई, तो यानी कि जिसको देखकर हमें विस्मय आश्चर्य उत्पन्न हो, हैरानी हो, वह हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। इस प्रकार जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं, उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, जैसे वह आज घूमने गया, निषेध वाचक, वह आज घूमने नहीं गया। आप देखो अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन तो जो हो रहा है इसको हम अभी नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं पहले अर्थ के आधार पर किस प्रकार से, अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार से विभाजित होते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। अब आते हैं हम रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन किस प्रकार से किया गया है,
मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, रचना के आधार पर हमारे वाक्यों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जो बिल्कुल सरल हो, संयुक्त वाक्य यानी कि दो वाक्यों को जोड़ दिया गया हो, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी कि एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा वाक्य जो है उस पर निर्भर होते हैं, ठीक है, दो भी हो सकते हैं। प्रातः काल होते ही चिड़िया चहकने चहचहाने लगी। प्रातः काल यानी कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, सरल वाक्य था कि सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। जैसे ही प्रातः काल हुआ यानी कि सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगी, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। सबसे पहले देखो सरल वाक्य है, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, या प्रातः काल होते ही बच्चे खेलने लगे, तो बहुत ही सिंपल सा वाक्य था। जैसे ही प्रातः काल हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। अब ये क्या है, प्रातः काल हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुआ तो क्या हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उसका आगे का वाक्य है चिड़िया चहचहाने लगी, मिश्रित वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्यों में कैसे जोड़ा जाता है, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पे हमने और जो शब्द है और जो वर्ण है इसके माध्यम से हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया है, और इसके द्वारा हमने वाक्यों को जोड़ दिया है। उपरोक्त तीनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, पर तीनों वाक्यों की रचना में अंतर है। तो रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सरल, मिश्रित, संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य की बात करते हैं, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर सरल वाक्य है बिल्कुल, क्या प्रतिदिन मैं खेलती हूँ, प्रतिदिन मैं खाना खाती हूँ, प्रतिदिन हम सैर करने जाते हैं, कुछ भी। तो सरल वाक्य हो गया मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ती हूँ। आगे देखिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। क्योंकि मैं एक ही है यहाँ पे, एक ही व्यक्ति बोल रहा है अपने बारे में, मैं, एक ही उद्देश्य और विधेय भी एक ही, क्या कहते हैं, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। अगर वो बोले वे प्रतिदिन रामायण और फिल्म देखती है, प्रतिदिन रामायण पढ़ती है और फिल्म देखती है, तो इस प्रकार से वहां दो विधेय हो गए आपके अलग अलग, तो वो आपका सरल वाक्य नहीं होता। मिश्रित वाक्य, वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिश्रित वाक्य, वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था क्या हुआ उसे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिश्रित वाक्य है वह व्यक्ति, एक व्यक्ति एक वाक्य था, जो प्रधान वाक्य वो उस पर किस पे निर्भर हो गया, वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही घंटी बजी छात्र प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी छात्र प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए। तो उपयुक्त वाक्यों में वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया प्रधान उपवाक्य है। सड़क पार कर रहा था प्रधान पर आश्रित है, ठीक है, वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया प्रधान और सड़क पार कर रहा था तो उस पर आश्रित वाक्य है। इसी प्रकार दूसरे वाक्यों में छात्र प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए, प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए तो वो आपका प्रधान उपवाक्य है, और जैसे ही घंटी बजी प्रधान पर आश्रित है, ठीक है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। इसमें कुछ नीचे आपको योजक चिन्ह बता रखे हैं, इन योजक चिन्हों के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो, जो जैसे कि क्योंकि ये भिन्न रूप हैं जो प्रधान उपवाक्यों से जुड़े रहते हैं। हम यह सरल वाक्य बता रखा है, संयुक्त वाक्य, मेरा भाई बीमार है इसलिए अस्पताल जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे एक वाक्य बोला है, आप ये भी सकते हो, वह खेल रहा था इसलिए गिर गया, ठीक है। तो हमने दो वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए, अथवा, और, इन सभी से, ठीक है। गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए।
तो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को हम जोड़ने के लिए इसलिए और शब्द का प्रयोग करते हैं। दो वाक्यों को, दो जो सरल वाक्य उनको जोड़ने के लिए हमने इसलिए और योजकों का प्रयोग करके वाक्य बना लिया। तो संयुक्त का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ। इसलिए जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को इस तरह जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, उसे उसके सभी वाक्य स्वतंत्र हुआ था, परस्पर कोई किसी पे आश्रित ना हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसलिए और से जोड़कर हम एक वाक्य में बदल देते हैं। यहां तक कि आपको सबकी डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है। अब जो आपको प्रश्न करने हैं, सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य वे विधेय को समझाइए। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को परिभाषित कीजिए, यानी कि जितने भी उसके भेद हैं वाक्य के, उसको परिभाषित करना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये चार हो गए आपके, और ये चार आपको करने हैं। इसमें भी आपको उनके अर्थ के आधार पर हमने किस प्रकार से विभाजन किया है वो आप यहाँ पे बताओगे, रचना के आधार पर किस प्रकार से किया है वो आप बताओगे, और फिर उनको परिभाषित करोगे। उदाहरण इसमें भी देना है, उदाहरण इसमें भी देना है। उद्देश्य विषय को समझाना है तो परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर देने हैं आपको। फिर आते हैं वाक्य, तो वाक्य जब भी आप बताओगे परिभाषा करोगे और वाक्य का उदाहरण भी देकर बताओगे। इतना कार्य अपना व्याकरण का वाक्य चैप्टर का कंप्लीट करके सभी बच्चों को रखना है। धन्यवाद।